इन दोस्तों वंशिका आलजाब हिंदी चैनल में स्वागत है। दोस्तों एक और रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ये रिक्वायरमेंट गुड़गांव हरियाणा में आया हुआ है। दोस्तों फायरबॉल सिक्योरिटी में जॉब रिक्वायरमेंट निकल के आया हुआ है दोस्तों गुड़गांव हरियाणा में। दोस्तों इस वीडियो में सैलरी से लेके ए से लेके फायरबॉल सिक्योरिटी क्या सैलरी देती है, भर्ती होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, ताकि जो भी बताएं आप लोग को समझ आ जाए। दोस्तों तीन चार दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, काफ़ी व्यस्तता था, उस व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं जा रहा था। दोस्तों अर्जेंट रिक्वायरमेंट निकला हुआ था फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड में, तो ये रिक्वायरमेंट बताना बहुत ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों कल सुबह को और भी रिक्वायरमेंट आया हुआ है कंपनी में, वो उसका वीडियो कल आप लोग के पास पहुंचेगा। बहुत दोस्त का कमेंट आ रहा था कि 12वीं पास के लिए जॉब बताइए, तो दोस्तों कल का वेट करिए, कल आप लोग को सुबह का कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है कल सुबह का वीडियो आप लोग के पास चला जाएगा। लेकिन ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट था दोस्तों फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड में, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग को बताने जा रहे हैं फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायरमेंट 2022 में निकला हुआ है गुड़गांव हरियाणा में, ये रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। जो दोस्त फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड जो दोस्त को सिक्योरिटी गार्ड पसंद है जॉब, वो दोस्त गुड़गांव हरियाणा में जॉब कर सकते हैं। जॉब आप लोग को बता देते हैं दोस्तों किस में करना है, तो कंपनी में फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, और दोस्त बैंक में फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। दोस्तों पहले तो हाइट बता देते हैं, हाइट कैंडिडेट का 5'7" होना चाहिए। क्वालिफिकेशन योग्यता 10वीं पास कैंडिडेट का होना चाहिए। सैलरी बता दे दोस्तों, सैलरी जो 8 घंटे का है दोस्तों, दो प्रकार का है दोस्तों, एक तो 12 घंटे का भी ड्यूटी है, एक में दोस्तों बैंक में 8 घंटे का भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो 8 घंटे का जो सैलरी है वो सैलरी 12,000 रुपया है, 12 घंटे का जो सैलरी है 14,000 रुपया PFSI कटपिट के आप लोग को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों डॉक्यूमेंट बता देते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट में पहले तो आप लोग 10वीं का मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाएंगे, उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्त। पुलिस वेरिफिकेशन मतलब होता है थाने का चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्त 8 फोटो लेकर जाएंगे दोस्तों, 8 फोटो के बाद दोस्तों बैंक पासबुक का फोटोकॉपी भी आप लोग को लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों जो फायरवॉल सिक्योरिटी है रजिस्ट्रेशन चार्ज 750 रुपया लेती है दोस्तों, यानी दोस्तों 750 रुपया लेती है दोस्तों। दोस्तों एक सर का कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, उस पर आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, बात करने के बाद सर एड्रेस आप लोग को बता देंगे, फुल एड्रेस आप लोग को बता देंगे कि गुड़गांव में किस जगह आना है दोस्तों। दोस्तों बात करने के बाद कंपनी का जो फायरवॉल सिक्योरिटी है उस कंपनी का कुछ नियम होता है, आप लोग बात करके कंफर्म
कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जाइएगा। दोस्तों कुछ चार्ज जो होता है कंपनी वो सैलरी में से भी काटता है, लेकिन दोस्तों आप लोग कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तभी आप लोग जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, डॉक्यूमेंट बता दिए, सैलरी बता दिए, क्वालिफिकेशन बता दिए, हाइट बता दिए। दोस्तों आप कॉन्टेक्ट नंबर सर का बता दे रहे हैं, उस पर आप लोग कॉल करके बात करके चले जाइएगा। दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर है 8377907970। दोस्तों एक बार और कॉन्टेक्ट नंबर सर का बोल रहे हैं 8 83 77 90 79 70। दोस्तों इस पर कॉल करके चले जाइएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट। अब जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा कल सुबह को बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।